दौर से गुजर रहे हैं, सूरज किस टेंशन में दिखाई दे रहे हैं? टेंशन में? हाँ, टेंशन जो है अभी काफ़ी दूर करके वो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चकोर ने उसे कन्विंस कर लिया है और वो जा रहा है आज़ादगंज की उन्नति का जो प्रोजेक्ट करण ओबरॉय ने शुरू किया है उसका साथ देने के लिए। बट या बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा सस्पेशन है कि क्यों ये बंदा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, बट जब कोई काम शुरू करने जाओ तो अच्छे मूड से जाते हैं, कई शक्कर खा के जाते हैं, तो वैसे ही सूरज जा रहा है। इट्स नॉट अ जॉब एक्चुअली, ये एक प्रोजेक्ट है हमारे आज़ादगंज को आगे ले जाने का, जिसमें हम करण का साथ दे रहे हैं और अपना दूसरा काम तो ऑलरेडी है ही, रेशम का कारोबार। तो ये अच्छे से अगर उन्नति हो जाए, क्योंकि ही वॉन्टेड समवन हु न्यू अ लॉट अबाउट आज़ादगंज, तो चकोर नहीं कर रही है उसे ज्वाइन बिकॉज सानवी उसकी प्रायोरिटी है, ये घर उसकी प्रायोरिटी है, और ये देख के सूरज को भी अच्छा लगा कि उसने अपनी प्रायोरिटीज ऐसे सेट की हुई है। तो ये देख के भी जब चकोर उसे बोलती है जाने के लिए तो वो चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन का जवाब तुम देंगे। तो सूरज और चकोर के बीच में जो स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो सीक्वल है उसे कहते हैं प्यार, जो अक्सर फैमिली सीन्स में होता है, माँ बेटा बहू बेटी सब एक साथ थे, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई एंड उसके बाद उनका एक पर्सनल थोड़ा सा मोमेंट था, स्मॉल पैक दैट यू गिव बिफोर स्टार्टिंग द डे वाला, सो इट वाज अ नाइस सीन। और आपको उस दौर से निकलते निकलते, जैसे आप वो मोमेंट से बाहर निकलते निकलते, जैसे आप उनको बाय कहते हुए जा रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है उस वक्त? I really love your question because you just want to ask questions that you just made a question right now. इनको जानना चाहेंगे कि फिर चकोर समझ लास्ट में जाना चाहेंगे कि फिर मौत क्या क्यों हो जाती है, फिर बेटी को केयर करने की वाली जो बात कहती है उसके बारे में। सो चकोर इज प्रॉब्ली बीइंग अ लिटिल पजेसिव अबाउट हर डॉटर राइट नाउ, वो एक बहुत पजेसिव फेज से गुजर रही है जहाँ वो सिर्फ अपनी बच्ची से बहुत प्यार करना जानती है, बट वो ये नहीं जानती कि दूसरों को भी देना चाहिए। फैमिली इज ऑलवेज, बच्ची हमेशा फैमिली के पास सेफ रहेगी, तो उसकी मम्मी उसको वही बचपन का उसका एग्जाम्पल दे के और इस तरह रिलेट करके उसको समझाती है। अब चकोर को समझ आई है तो कुछ थोड़ा रेक्टिफिकेशन होगा। थैंक यू। टेंशन जो है अभी काफ़ी दूर करके वो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चकोर ने उसे कन्विंस कर लिया है और वो जा रहा है आज़ादगंज की उन्नति का जो प्रोजेक्ट करण ओबरॉय ने शुरू किया है उसका साथ देने के लिए। बट या बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा सस्पेशन है कि क्यों ये बंदा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, बट जब कोई काम शुरू करने जाओ तो अच्छे मूड से जाते हैं, कई शक्कर खा के जाते हैं, तो वैसे ही सूरज जा रहा है। इट्स नॉट अ जॉब एक्चुअली, ये एक प्रोजेक्ट है हमारे आज़ादगंज को आगे ले जाने का, जिसमें हम करण का साथ दे रहे हैं और अपना दूसरा काम तो ऑलरेडी है ही, रेशम का कारोबार। तो ये अच्छे से अगर उन्नति हो जाए, क्योंकि ही वॉन्टेड समवन हु न्यू अ लॉट अबाउट आज़ादगंज, तो चकोर नहीं कर रही है उसे ज्वाइन बिकॉज सानवी उसकी प्रायोरिटी है, ये घर उसकी प्रायोरिटी है, और ये देख के सूरज को भी अच्छा लगा कि उसने अपनी प्रायोरिटीज ऐसे सेट की हुई है। तो ये देख के भी जब चकोर उसे बोलती है जाने के लिए तो वो चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन का जवाब तुम देंगे। तो सूरज और चकोर के बीच में जो स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो सीक्वल है उसे कहते हैं प्यार, जो अक्सर फैमिली सीन्स में होता है, माँ बेटा बहू बेटी सब एक साथ थे, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई एंड उसके बाद उनका एक पर्सनल थोड़ा सा मोमेंट था, स्मॉल पैक दैट यू गिव बिफोर स्टार्टिंग द डे वाला, सो इट वाज अ नाइस सीन। और आपको उस दौर से गुजर रहे हैं, वो मोमेंट से बाहर निकलते निकलते, जैसे आप उनको बाय कहते हुए जा रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है उस वक्त? I really love your question because you just want to ask questions that you just made a question right now. इनको जानना चाहेंगे कि फिर चकोर
सो चकोर इज प्रॉब्ली बींग लिटिल पजेसिव अबाउट हर डॉटर राइट नाउ. वो एक बहुत पजेसिव फेज से गुजर रही है जहाँ वो सिर्फ अपनी बच्ची से बहुत प्यार करना जानती है, बट वो ये नहीं जानती कि दूसरों को भी देना चाहिए. फैमिली इज ऑलवेज, बच्ची हमेशा फैमिली के पास सेफ रहेगी. तो उसकी मम्मी उसको वही बचपन का उसका एग्जाम्पल देके और इस तरह रिलेट करके उसको समझाती है. अब चकोर को समझ आई है तो कुछ थोड़ा रेक्टिफिकेशन होगा. एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू. थैंक यू.